जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूँ एस्ट्रो काल गणना में। धनु राशि वालों का मार्च का महीना कैसा रहने वाला है? करियर की दृष्टि से उन्नति, भाग्य, दाम्पत्य जीवन, रोजगार, व्यवसाय, धन संपदा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन के लिए, संतान पक्ष के लिए, भूमि भवन प्रॉपर्टी संबंधों में, जो धनु राशि वाले विदेश में रहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए ये मार्च का महीना कैसा रहने वाला है? जो राशिफल मैं बताने जा रहा हूँ ये चंद्र राशि के आधार पर, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली की जो राशि बनती उस राशि के आधार पर। अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता नहीं, इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशिफल पर घटित कर सकते हैं। समझने के लिए यहाँ पर मैंने गोचर कुंडली का निर्माण किया है, जहाँ पर 9 अंक लिखा वो आपकी राशि धनु राशि है, और धनु राशि के स्वामी बनते हैं देव गुरु बृहस्पति, और देव गुरु बृहस्पति आपकी राशि से पंचम में विराजमान है। जहाँ पर 1 अंक लिखा वहाँ पर विराजमान है देव गुरु बृहस्पति, और आपकी राशि से द्वितीय भवन में मंगल और शुक्र विराजमान है। यहाँ पर 10 अंक लिखा हुआ है, जहाँ पर 11 अंक लिखा पराक्रम के भवन में सूर्य, शनि, बुध ग्रह विराजमान है, और आपके शुक्र के भवन में जहाँ पर 12 अंक लिखा वहाँ पर राहु ग्रह विराजमान है, और जहाँ पर 6 अंक लिखा हुआ आपका कैरियर का भवन, दशम भवन, कर्म का भवन, उसमें केतु ग्रह विराजमान है, और मास प्रारंभ में आपके 1 अगस्त में जहाँ पर 7 अंक लिखा हुआ है वहाँ पर चंद्रमा विराजमान है। तो इस मार्च के महीने में 4 ग्रहों का परिवर्तन भी होगा। वो 4 ग्रह हैं बुध और शुक्र ग्रह, ये 7 मार्च को परिवर्तन करेंगे। बुध और शुक्र आप जैसे आपको दिख रहा होगा बुध आपके तृतीया में है, तो ये आपके चौथे भवन में चले जाएंगे, राहु के साथ चले जाएंगे, और साथ में शुक्र आपके द्वितीय भवन में है, 7 मार्च को ये आपके तृतीय भवन में चले जाएंगे, और सूर्य का परिवर्तन होगा 14 मार्च को। 14 मार्च को सूर्य निकल करके मीन राशि में चले जाएंगे, कुंभ राशि, तृतीय भवन से चौथे भवन में चले जाएंगे, और मंगल का परिवर्तन भी 15 मार्च को होगा। मंगल ग्रह आपके धन भाव से द्वितीय भाव से निकल करके आपके तृतीय भाव में यानी कि कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो ये आपकी गोचर कुंडली बन रही है मार्च के महीने की। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि मार्च के महीने में 4 दुर्योग बन रहे हैं, सभी राशियों पर ये लागू होगा, क्योंकि ये एक दुर्योग आपके लिए कहीं ना कहीं परेशानियां तो देंगे ही, हर एक को परेशानी देंगे, आपके लिए क्या समस्याएं खड़ी करेंगे, क्योंकि पहले तो आपके तृतीय भवन जो पराक्रम का भवन है वहां पर सूर्य और शनि विराजमान, ये योग भी अच्छा नहीं माना जाता। सूर्य शनि का जो योग है ये योग व्यक्ति के मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी लाता है, व्यक्ति को मानसिक तनाव देता है, चिड़चिड़ापन करता है, क्रोध व्यक्ति के अंदर आता है, हड्डियों की प्रॉब्लम होती है व्यक्ति को, और व्यक्ति के अंदर जैसे आंखों में जलन हो जाना, सरदर्द की समस्याएं हो जाना, और काम को रुकना, माने जो काम बहुत अच्छा चल रहा था कहीं कहीं ना कहीं कलंक लग जाना या बेवजह किससे उलझ जाना, इस तरह का योग ये बनता है। तो ये आपके पराक्रम में है ये योग, तो पराक्रम संबंध मेहनत में, मेहनत तो आपको वैसे ये उपचाई भाव है, तीसरे भवन में जो है पापा ग्रह जो भी हैं अच्छा फल देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सूर्य शनि के योग से आपके जो आपको मिलना है उसमें थोड़ा कटौती हो जाएगी, परेशानी चिड़चिड़ापन तो आपके अंदर रहेगा ही रहेगा। दूसरा जो योग बनेगा वो है शनि का और मंगल का, मंगल का और शनि का 15 मार्च के बाद योग बनेगा। शनि शनि और मंगल का जो योग बनता है इसमें जो है जैसे आपकी बहुत अच्छा काम चल रहा है, ग्रोथ बढ़िया चल रही, गति का कम हो जाना। एक है अग्नि, और अग्नि तत्व ग्रह है, बहुत ताकतफुल ग्रह है, ऊर्जा के कारक ग्रह मंगल है, और एक है मध्यम ग्रह शनि ग्रह जो है मध्यम चलते हैं, मध्यम फल देते हैं, तो इन दोनों का योग जो बन जाता है तो कहीं ना कहीं रुकावटें पैदा करता है। काम का बहुत अच्छा चलना, 10 दिन बहुत अच्छा कारोबार चले, 12 दिन बहुत अच्छा कारोबार चले, लेकिन 3 दिन 4 दिन ऐसा रहे जो बहुत ज़्यादा परेशानी कर दे, तो ये आपकी पराक्रम में आपकी मेहनत में भी दिखेगा, आलस्य आपको परेशान करेगा इस महीने में, और अव्यय वजह आपको चिड़चिड़ापन तो देगा ही देगा ये योग। और फिर 14 मार्च को एक योग दोबारा बनेगा जो राहु के साथ, सूर्य और राहु एक साथ आपके सुख भवन में आ जाएंगे, और ये सुख भवन में राहु और सूर्य का जो है ग्रहण दोष बनता है, तो ये ग्रहण दोष बनने से आपके लिए सुखों की कमी करेगा, और माता के स्वास्थ्य में परेशानी आ जाना, पिता के स्वास्थ्य में परेशानी आ जाने, सुखों के परेशानी आ जाना, परिवार में कलेश बढ़ जाना, घर के अंदर प्रॉब्लम आ जाना, इस तरह का योग ये ग्रहण दोष बनाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है आपके लिए अच्छी बातें जो होंगी वो होंगी,
यहाँ पर 7 मार्च के बाद बुध ग्रह भी आ जाएंगे, और बुध ग्रह वैसे तो मीन राशि में हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बुध ग्रह का और राहु का जो योग बनेगा, ये बनेगा आपके काम निकालने वाला योग, यानी कि मुसीबत में रहने के बाद भी आप अपना काम अच्छी तरह से निकाल पाएंगे, और कुछ ना कुछ करके आप धन संपदा के वृद्धि के योग बनाएंगे, और शेयर मार्केट लॉटरी सट्टा में आपको पैसा प्राप्त हो सकता है, क्योंकि राहु और बुध का योग जो बनता है इसमें व्यक्ति के अंदर अचानक पैसे मिलने का योग बनता है, क्योंकि ये आपके सप्तमेश भी हैं, व्यापार भवन के मालिक भी हैं, क्योंकि सप्तम में आपकी मिथुन राशि बनती है, और साथ में ये आपके कैरियर भवन के मालिक भी हैं, और कैरियर भवन पर बुध की दृष्टि पड़ने से तो कैरियर में भी 7 मार्च के बाद परिवर्तन लाएंगे बुध ग्रह, कुछ परिवर्तन के स्थानांतरण का योग भी बन सकता है, आपको नई नौकरी मिल सकती है, नौकरी में परिवर्तन बुध ग्रह करेंगे, या परिवर्तन नहीं भी होगा तो आपके लिए कैरियर में कुछ अच्छा होने का योग बनता है, और पैसा लॉटरी सट्टा इत्यादि में पैसे धन संपदा की वृद्धि के योग बनते हैं, जैसे नौकरी के साथ साथ आप कुछ एक्स्ट्रा कुछ बिजनेस करते हैं उसमें आपको लाभ दिखेगा, यहाँ पर व्यापार में भी लाभ दिखेगा 7 मार्च के बाद बुध के योग के कारण से, और शुक्र ग्रह जो है आपके धन भाव से निकल करके आपके ये पराक्रम भाव में आ जाएंगे, और पराक्रम भाव में आएंगे तो ये आपके लाभेश भी बनते हैं, यानी कि एकादश भवन के मालिक भी बनते हैं, और लाभेश का पराक्रम में जाने या मेहनत से आप कुछ पैसा अच्छा कमाएंगे, या कुछ नया करेंगे, अपने अपने स्टाइल को बदलेंगे, अपने तो थोड़ा चाल चलन को बदलेंगे, कुछ नई चेंजिंग करेंगे, इस तरह का योग बनता है शुक्र के कारण से आपके। लेकिन यहाँ पर मंगल और शुक्र का योग द्वितीय भाव में भी बना हुआ है, और मंगल का योग और शुक्र का योग जो है आपके तृतीय भवन में भी 15 मार्च के बाद बनेगा, तो यहाँ पर शुक्र के मंगल के कारण से भी जैसे कि ऐसा हो सकता है आपको प्रेम किसी से हो सकता है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है, आप व्यभिचार कर सकते हैं, अपने चरित्र को बचा कर रखें, भोग विलासिता में लिप्त न हो, अगर आप कहीं ना कहीं भोग विलासिता में लिप्त होते तो ये आपके लिए खराब है, जिनका विवाह हो रखा है तो एक्स्ट्रा अफेयर का योग भी ये बनाता है ये योग, तो इससे आपको मैं वीडियो के अंत में उपाय बताऊंगा, तो उपाय आप करेंगे तो आपके लिए लाभ रहेगा। सबसे बड़ी बात तो आपके लिए धनु राशि वालों की अच्छी बात, अब मैं आपको पॉजिटिव बात अच्छी बातें आपको बताऊंगा, क्योंकि आपके राशि के मालिक जो हैं देव गुरु बृहस्पति वो आपके पंचम में हैं, और पंचम में बैठे हुए हैं तो आपके लिए हर एक मुसीबत से उनका निकाल के लाएंगे देव गुरु बृहस्पति, तो देव गुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक भी हैं, धन के कारक भी, मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलाते हैं, संतान सुखों को दिलाते हैं, विद्या विद्या के मालिक हैं, अध्ययन व्यक्ति के अंदर अध्ययन करता है, अध्ययन में ये रुचि बढ़ाएंगे आपको, धन संपदा आपको देंगे, संतान का योग बनाएंगे यहाँ पर बैठ करके, और बड़ी से बड़ी मुसीबत से आपको बचाएंगे, रिसर्च कर्ताओं के लिए, शोधकर्ताओं के लिए, पढ़ाई लिखाई करने वालों विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, और जिन जो धनु राशि वालों की जो संतान है, संतान के लेकर जो परेशानियां होंगी वो परेशानियां ये मार्च के महीने में कहीं ना कहीं कम करेंगे आपके संतान की जो भी दिक्कतें होंगी, और भाग्य का साथ आपको मिलेगा, क्यों पंचम से ये भाग्य को देखेंगे, भाग्य का साथ आपको मिलेगा, जब भाग्य का साथ मिलेगा तो कहीं भी कितने भी मुसीबतें होंगे, जितना ज़्यादा आप उपासनाएं करेंगे, धनु राशि वालों को उपासना तो करनी ही करनी है, क्यों धनु राशि वालों का बहुत टाइम बाद ऐसा समय आया जब आप किसी भी बड़े ग्रह से प्रभावित नहीं हैं, तो इसलिए आप उपासना पर कंटिन्यू उपासना करते रहें, जो आप दैनिक उपासनाएं करते हैं, तो देव गुरु बृहस्पति आपका उपासनाओं का फल देंगे, भाग्य का फल देंगे, जो आपने जो भी धर्म कर्म किए हैं, धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ाएंगे, उससे आपको फायदा होगा, पिता पिता से भी आपको फायदा करवाएंगे, पैतृक संपदा से भी फायदा होगा, साथ में लाभ के अवसर आपको मिलेंगे, देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि जो आपकी राशि पर पड़ती है नवम दृष्टि, तो आपके अंदर जो भी मुसीबतें होंगी उससे निकाल करके लाने के लिए काम करेंगे देव गुरु बृहस्पति, अध्ययन में रुचि बढ़ेगी, निखार लाएंगे आपके अंदर, पुरानी जो बुरी आदतें हैं उन बुरी आदतों से आपको बाहर निकाल करके लाएंगे, बुरी आदतों से दूर रखेंगे आपको, बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचाएंगे, और मानसिक तनाव से आपको राहत देंगे, देव गुरु बृहस्पति की जो पोजिशन है सब ग्रहों में आपके लिए बहुत श्रेष्ठ कर है, क्यों ये आपके पंचम भवन में है, और ये आपके सुख भवन के मालिक हैं, और आपके राशि के मालिक हैं, तो ये आपके लिए सुखों की वृद्धि भी करेंगे,
तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। कुछ योग तो सभी 12 राशियों के लिए मार्च के महीने परेशानियां हैं। उपाय मैं आपको बता देता हूं। तो पहले उपाय जो अच्छे ग्रहों के लिए है, देवक गुरु बृहस्पति के लिए, देवक गुरु बृहस्पति के लिए लक्ष्मीनारायण भगवान जी के दर्शन करने हैं आपने वीरवार के दिन। वीरवार के दिन भगवान नारायण के दर्शन करें, ठाकुर जी की सेवा करें, भगवान रामचंद्र जी के दर्शन करें। दर्शन करके आपके जीवन में जो भी मुसीबतें हैं वो मुसीबतें दूर हो जाएंगी। ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या सुने, या आपुरु सूक्त का पाठ करें या सुने, और कनक धारा स्त्रोत्र का पाठ करें या सुने। ये करने से आपके जीवन में जो भी परेशानियां वो दूर होंगी। और विद्यार्थियों के लिए बता दूं, आप सरस्वती के 12 नामों का उच्चारण करें। और सभी धनुराशि वालों के लिए, जो भी काम करते हैं, कहीं परेशानियां हैं आपके, इस दौरान आपने गणेश जी की वंदना करनी, क्योंकि गणेश जी की वंदना से ही आपके जो भी विघ्न बाधाएं जीवन में आएंगी। मार्च के महीने में तो बहुत ज़्यादा विघ्न बाधा सभी राशियों के लिए, उनके लिए गणेश जी के 12 नाम नित्य पढ़ने बहुत जरूरी हैं। तो राहु का योग बनेगा, सूर्य का योग बनेगा, मंगल का योग बनेगा, जटिल जटिल योग बने हुए हैं, इन योगों से बचने के लिए आप गणेश की वंदना करें, गणेश जी के 12 नामों का उच्चारण। सूर्य को अर्घ्य देने से आपके आदित्य हृदय स्त्रोत्र के पाठ करने से मुसीबतों से बचेंगे। और मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन सभी के लिए मैं ये कहता हूँ कि आप हनुमान जी के दर्शन करें। कलयुग में जितना आप हनुमान जी के दर्शन करेंगे तो वो फायदा आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो अगर आप अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, नीचे अपॉइंटमेंट नंबर चल रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करा सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सही समय है, ये सही मुहूर्त है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।